बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप देख रहे हैं डेली न्यू पॉइंट। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत थी जो कि नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि 5 रुकनी बेंच था जिसमें से एक जस्टिस जिनका नाम जस्टिस काजी अमीनुद्दीन है, उन्होंने बेंच को तोड़ दिया। वो इस बेंच को छोड़कर चले गए, वो इस बेंच का हिस्सा ना रहे, जिसके बाद इस केस की समाअत ना हुई। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इस केस की समाअत होगी, लेकिन इस बार 5 रुकनी बेंच नहीं बल्कि 4 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा, और इस केस की समाअत जो है वो कल 11:30 बजे की जाएगी। ये वही बेंच है, मैं आपको बता दूं कि ये वही बेंच है जिसने इमरान खान की हुकूमत को रात के 12 बजे घर भेजा था, जिसने इमरान खान को रात के 12 बजे घर भेजा था, और इन सब ने इस सब पीडीएम ने जो जस्टिस हैं, ये 5 रुकनी बेंच है, इसके फैसले को आमीन कहा था और इनको तारीफ़ की थी, इनकी तारीफ़ें की थी, और ये वही बेंच है जिनके आज ये ख़िलाफ़ हैं और इनके ऊपर एतमाद इनका नहीं है, और ये आज जो है वो बेंच टूट गया है। तो इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात की है। आइए इमरान रियाज खान का बयान सुनते हैं और फिर इसके ऊपर बात भी करते हैं। अब आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक बड़ी सुनवाई हो रही है, आज भी ये केस चलेगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रहा है, मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि पीएमएलएन ने इदारों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट की वसूली चाहते हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यही जजेस जब सोमोटो लेते हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत बनती है, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होता है, तो सोमोटो बहुत अच्छा था। अब यही जजेस जब सोमोटो ले रहे हैं और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं आईने पाकिस्तान के लिए, आईने पाकिस्तान के तहत, तो सोमोटो बहुत बुरा है। यही बेंच बना था जजेस का, मैं आपको नाम बता देता हूँ, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब, जस्टिस मजहर आलम साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब। इन्हीं जजेस ने फैसला दिया था इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई थी, तो तब ये बेंच बहुत अच्छा था, तब ये जजेस बहुत अच्छे थे, मुझे तो बयान आता जी। तो नाजरीन, ये वही 5 रुकनी बेंच था जिसने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा था, और आज वही जो बेंच है, आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि कोई भी बात जो आईन के ख़िलाफ़ हो, जो कानून के ख़िलाफ़ हो, जो अदालतों के ख़िलाफ़ हो, उनको फॉलो नहीं किया जाता। तो इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो जस्ट अदालत की होगी, कामयाबी जो है वो अदलिया की होगी, और इस बार जो माफिया हैं उनको रद्द किया जाएगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।